हेलो एवरीवन, ओम साई राम। आज हम वीडियो को एंड तक देखना, वॉच पूरा करना, और क्योंकि स्किप कर दोगे तो वो जानकारी आपको मिलेगी नहीं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और चलो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आज हम आपको बिल्ली के बारे में बात करेंगे कि बिल्ली किसका वाहन होता है, किसकी सवारी होती है हिंदू धर्म में, और ज़रूर सभी देवी देवताओं की क्या होती हैं, पशु पक्षी किसी न किसी देवी देवताओं के सवारी या वाहन होते हैं। आज हम आपको बिल्ली के बारे में जानकारी बताएंगे कि जी बिल्ली किसकी सवारी है, किसका सवाहन है, और क्यों बिल्ली बिल्ली के लिए अशुभ बताया गया है, वो किसका प्रतीक है और क्या है, सारी आपको हम जानकारी देंगे। और वीडियो को एंड तक बने रहना और वॉच पूरा करना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भैया प्रियंका चैनल का नाम है प्रियंका गुप्ता, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिल्ली किस देवता की सवारी है जानिए, उसकी मान्यता क्या है, चलो हम आपको बताते हैं। देवताओं के वाहन हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के वाहन जरूर होते हैं, उनके साथ उनकी सवारी की भी पूजा अर्चना एक की जाती है। भगवान के साथ साथ उनके जो उनके वाहन है, पशु पक्षी जो बने हैं उनके, तो उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और जैसे शंकर भगवान के, नंदी गणेश जी के, मूषक कार्तिकेय जी के, मयूर मोर, और विष्णु जी के गरुण, सब लक्ष्मी जी का उल्लू, एंड माता रानी का कौन है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो सभी देव माता रानी के शेर पे सवार रहे, सभी देवी देवताओं के वाहन का भी उतना ही महत्व है जितना देवी देवताओं का महत्व, देवी देवताओं की पूजा का महत्व होता है, जितना उनके वाहन भगवान की जो भगवान है तो उनकी जितना उनकी पूजा होती है उतनी ही उनकी वाहनों की भी होती है। क्या आप जानते हैं कि कभी आपने सोचा है कि आपके मन में अक्सर सवाल उठता होगा, बाकी पशु पक्षियों की तरह बिल्ली किसी देवी देवता का वाहन क्यों नहीं है? की सवारी है, इसी हिंदू धर्म में बिल्ली को माँ लक्ष्मी की बहन, आलक्ष्मी की सवारी कहा जाता है बिल्ली को। और शास्त्रों के अनुसार आलक्ष्मी को आधर्मी की पत्नी भी कहा गया है, और राहु का भी वाहन है बिल्ली। हिंदू धर्म में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बिल्ली राहु का वाहन बताया गया है, और माना जाता है बिल्ली को राहु का, और हिंदू धर्म में राहु को परम अशुभ माना गया है। और ज्योतिष और जो राहु उतना है ना, तो अशुभ ग्रह मानते हैं, उसका प्रतीक माना जाता है अशुभ। ये हिंदू धर्म में तो खास तौर पर माना गया राहु और आलक्ष्मी की बहन, ये ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्रों में राहु को अशुभ ग्रह ही माना गया है। ये क्योंकि राहु से क्या होता है, सभी परेशान हो जाते हैं, राहु व आलक्ष्मी ये सब अपन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि माना गया है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है राहु की वजह से, इसलिए राहु को बिल्ली का वाहन, और लक्ष्मी की बहन आलक्ष्मी को उसका वाहन माना जाता है। आलक्ष्मी क्या है कि भी मुश्किलें इतनी पैदा करती हैं कि तो कभी इंसान इतना परेशान हो जाते हैं, समस्या और मुश्किलों से होती हैं, तो इसलिए शास्त्रों में राहु को और आलक्ष्मी को बिल्ली का वाहन बताया गया है। इसलिए किसी देवी देवता ने
इसको अपना वाहन नहीं बनाया, इसी का वजह से किसी देवी देवता ने किसी भी देवी देवता ने अपना वाहन बिल्ली को नहीं बनाया है, और इसलिए बिल्ली को अशुभ माना जाता है। कभी अपन कहीं जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाते हैं कि क्यों कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए देखो सब अशुभ अशुभ का अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है, क्या है क्या नहीं है। और जो मतलब पहल का इंसान था जो लिख गया जो बता गया तो वो ही इंसान मान रहे हैं, बाकी तुम्हारी हमारी सोच के ऊपर निर्भर है कौन अशुभ है कौन शुभ है। तो लेकिन राहु के लांजे तो अशुभ ही बताते हैं और परेशानी मुश्किल आते तो राहु और लक्ष्मी की वजह से हैं। उसका किसका सा वाहन है बिल्ली? राहु और लक्ष्मी का। इसलिए किसी देवी देवता ने अपनी सवारी नहीं, इसी वजह से अपनी सवारी नहीं बनाई है बिल्ली को। बिल्ली किसका वाहन है कमेंट करके बताना। बिल्ली राहु और लक्ष्मी का वाहन है और किसी देवी देवता ने नहीं, किसी देवी देवता का वाहन नहीं है। और चलो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।